सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं एमसी स्टैन और इमिवे बंटाई के बीच में जो डिस गेम चला उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप लोग अभी मेरे से पूछोगे डिस गेम तो खत्म हो गया और डिस गेम के बारे में हमको सब कुछ पता है, तो फिर अभी डिस गेम के ऊपर ये वीडियो क्यों? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एमसी स्टैन और इमिवे बंटाई के बीच में जो डिस गेम शुरू हुआ उसके स्टार्टिंग से लेके अब तक का स्टेटस आप लोगों को देने वाला हूँ, और हो सकता है ये पूरी स्टोरी आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो पहले ही मैं बोलना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोगों को एमसी स्टैन और इमिवे बंटाई के बीच में जो डिस गेम स्टार्ट हुआ उसके बारे में पता चला, एमिवे बंटाई की समझ में आया क्या ट्रैक रिलीज होने के बाद। लेकिन एमिवे बंटाई और एमसी स्टैन को जो पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है ये डिस गेम बहुत पहले से चल रहा था। तो आज मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये डिस गेम स्टार्ट कहां से हुआ और फिलहाल अभी इस डिस गेम का स्टेटस क्या है। तो दोस्तों, एमिवे बंटाई और एमसी स्टैन के बीच में इस डिस गेम का स्टार्ट किया एमसी स्टैन ने। तो बेसिकली एमसी स्टैन ने 2018 के शुरू में एक ट्रैक निकाला और जिसमें एमसी स्टैन ने एमिवे बंटाई को फर्स्ट टाइम डिस किया। तो अभी जिन लोगों को ये पता नहीं था उन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अचानक से एमसी स्टैन ने एमिवे बंटाई को क्यों डिस किया। तो दोस्तों, एमसी स्टैन का ये कहना था कि उस टाइम पे एक साइफर हुआ था जहाँ पे एमसी स्टैन और एमिवे बंटाई दोनों गए थे। उस साइफर में एमसी स्टैन जब रैप कर रहे थे उस टाइम पे एमिवे बंटाई उनके होमीज के साथ मिलके एमसी स्टैन और एमसी स्टैन के लुक्स का मजाक उड़ाया, मतलब एमसी स्टैन का ड्रेसिंग सेंस और इन सब के ऊपर। हालांकि एमसी स्टैन की इस बात का कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसी बात के चलते एमसी स्टैन ने फर्स्ट टाइम एमिवे बंटाई को डिस किया। छोड़ इन बातों को, आता मैं मुद्दे पे, सीधा सीधा बोलता तेको एमिवे तेरे मुंह पे, तूने मेरे को देखा बस ते टाइम इसलिए हंस रहा, मेरी नोज रिंग मेरी ड्रेसिंग देख के हंस रहा, मेरे को क्या देख रहा जरा खुद को तू देख। उसके बाद एमिवे बंटाई की तरफ से एमसी स्टैन के लिए एक डिस ट्रैक आया जिसका नाम था कड़क बन, और जिसमें एमिवे बंटाई ने एमसी स्टैन को डिस किया। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोपला। और एमिवे बंटाई के इस ट्रैक के निकलते ही दोनों के बीच में ऑफिशियली डिस गेम स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद एमसी स्टैन ने भी एमिवे बंटाई को रिप्लाई देते हुए एक ट्रैक निकाला जिसका नाम था वटा। मेरे गाने दिना नहीं काटेंगी एड़े में, देखो रे फील कर तू मेको, हुक नहीं गाने आता कसम से मेको, शांता भाई सुनता और जज करता मेको, हिप हॉप समझता के तेको, हिप हॉप समझता करे तेको, फिर क्या बोलता ममड़ा सही है फिर गलत गलत, मेको बोलते ये कड़क बन, मैं पहले से कड़क तू मरद बन, तू मरद बन। अब इसके बाद एमिवे बंटाई और रफ्तार के बीच में सीन हो गया और एमिवे बंटाई ने अपना पहला ऑफिशियल डिस ट्रैक निकाला और जो था समझ में आया क्या, और इस ट्रैक में एमिवे बंटाई ने डायरेक्टली एमसी स्टैन के वटा का रिप्लाई किया और वो भी एमसी स्टैन का नाम लेके। तो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? एमसी स्टैन। एमसी स्टैन सुन, ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा का जा दूध पी। और इसके बाद एमसी स्टैन ने एमिवे बंटाई को रिप्लाई करते हुए अपना ट्रैक निकाला जिसका नाम था खुजा मत। आएगा जादू और क्या बोले कोने को कुल्फी रैपर केले, मेरे को नहीं जानता तू, अगर मेरे को नहीं जानता तो फिर मेरा इसे रुमाल काई को बांध रहा। लेकिन एमिवे बंटाई की डिस्ट्रैक खत्म के रिलीज होने के बाद एमिवे बंटाई बोल चुके थे कि वो कोई और डायरेक्ट डिस्ट्रैक नहीं निकालेंगे, इसलिए एमसी स्टैन की खुजामत का कोई डायरेक्ट रिप्लाई अभी तक एमिवे बंटाई की तरफ से नहीं आया है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में इन दोनों का ये डिस गेम फिर से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है इन दोनों के इस डिस गेम के बारे में कि फ्यूचर में ये स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, कमेंट में जरूर बताइए, और आपकी फेवरेट डिस्ट्रैक कौन सा था वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर कोई क्वेरी या फिर कोई इश्यूज है उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको किसी टाइप की वीडियोस देखना है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस टाइप की वीडियोस जरूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।